हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, अब नहीं लगाने पड़ेंगे अलग अलग विभागों के चक्कर। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेंशन भोगियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को तमाम सुविधाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित करने वाली है। यह पोर्टल पेंशन भोगियों से सतत संपर्क बनाए रखने में मददगार साबित होगा। CBSE ने 10वीं 12वीं सेकेंड टर्म बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड किए जारी। जी हां, CBSE ने 10वीं 12वीं सेकेंड टर्म बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि 10वीं सेकेंड टर्म की परीक्षाएं 26 अप्रैल से 24 मई तक आयोजित होंगी, तो वहीं 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं 26 अप्रैल से 15 जून तक संचालित होंगी। 2 घंटे की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक पर ईडी का एक्शन, कई संपत्तियां की जब्त। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी के नेता नवाब मलिक पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मलिक की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये संपत्तियां मुंबई एवं उस्मानाबाद की बताई जा रही हैं। जांच एजेंसियों ने मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जाँच कर रही है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अप्रैल से लागू हो सकता है मुआवजा कानून। जी हां, विद्युत कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग को बताया कि अप्रैल से मुआवजा कानून लागू किया जा सकता है, जिसके तहत समय के साथ समस्या दूर न कर पाने की स्थिति में बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को मुआवजा देंगी। पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत वितरण संहिता के तहत उपभोक्ता समस्याओं के मानकों पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम तैयार कराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर भारत के पक्ष को लेकर G7 अतिथियों की लिस्ट से पीएम मोदी को हटा सकता है जर्मनी। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी इस पर चर्चा कर रहा है कि यूक्रेन में रूसी हमले पर भारत के पक्ष को लेकर G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाए या नहीं। इस मामले से जुड़े हुए एक शख्स ने बताया कि यूक्रेन में लड़ाई शुरू होने के पहले ही भारत G7 की अतिथियों की सूची में शामिल था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बड़ा झटका, चाचा शिवपाल आजम खान आने वाले हैं एक साथ। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पार्टी में इस समय उथल पुथल का माहौल है। खबर है कि चाचा शिवपाल यादव के बाद सपा नेता आजम खान भी नाराज चल रहे हैं और दोनों नेता एक साथ आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आजम खान के करीबी नेता शिवपाल यादव के संपर्क में हैं और दोनों नेता सपा छोड़ सकते हैं। एक जिला एक खेल के तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेंगे ट्रेनिंग सेंटर। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद एक जिला एक खेल शुरू करने की तैयारी में है। इस तरह की देश की पहली योजना है जिसे योगी सरकार शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक खेलों के प्रति युवाओं के रुझान को बढ़ावा देना है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।